एक कथा में आपको क्षेपक रामायण की सुनाता हूं जो रामचरितमानस में नहीं है। ये समय कुंभकर्ण की भी मृत्यु हो चुकी थी। रावण बहुत ज्यादा परेशान था। रावण की माता का नाम है केसिसी, जो सोमाली नाम के दैत्य की बेटी है। उसने कहा, बेटा रोता क्यों है? तेरा एक भाई पातालपुरी में रहता है, अही रावण। ये वही पातालपुरी है जिसको आज अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो अपने भाई का सहयोग क्यों नहीं लेता? उसका सहयोग लेगा तो तुझे विजय मिल जाएगी। थोड़ा बेस कम करके बोलिए। तो अही रावण को रावण ने बुलाया। अही रावण बहुत बड़ा मायावी था। ऐसा बताते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मायावी हुए हैं उनमें सिर्फ एक अहिरावण था जो विभीषण का भेष बना सकता था। विभीषण सात चिरंजीवों में से एक ऐसे हैं, अहिरावण के अलावा विभीषण का कोई रूप नहीं बना सकता था, ऐसा हमारी रामायणों में लिखा हुआ है। तो विभीषण का भेष बनाने की जरूरत थी, उसके लिए अहिरावण को बुलाया गया। राम लक्ष्मण का हरण करके पातालपुरी ले जाए और रावण युद्ध जीत जाए, ये बहुत बड़ी मंत्रणा की गई। विभीषण तोता बन के ये पूरी मंत्रणा सुन के आ गए। विभीषण सुख बने तोता बने, सुन लो नई कथा है, यह पूरा का पूरा चैप्टर सुन करके आ गए। राम जी के दल में विभीषण आए तो आंख में तो आंसू थे। आज प्रभु श्री राम जी ने थोड़ा स्वर दें, आज प्रभु श्री राम जी ने दुखित विभीषण को देखा, पूछा, बंधुवर क्या हुआ है, क्या बात है? अब भगवान, भाई ने छाती में लात मारी तब भी मैं उतना दुखी नहीं था जितना दुख मुझे अभी हो रहा है। राम जी ने कहा, प्रयास करूंगा दुख दूर करने के लिए, बताइए बात क्या है। अब भगवान, मेरा निजी तो कोई दुख नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कष्ट आवे तो वो कष्ट मेरा है, आपने मुझे अपना मित्र बनाया है। प्रभु, आज रावण के दरबार में बहुत बड़ी मंत्रणा हुई है और जिसमें तैयारी की गई है कि आज आधी रात्रि को अहिरावण आपका हरण करके लेके जाएगा। और अहिरावण बहुत बड़ा मायावी है, प्रभु उसकी माया को कोई काट नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है, राम जी के खेमे में सन्नाटा छा गया। उस समय भी हनुमान जी खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, भगवान मुझे आदेश दीजिए, आज रात भर चौकीदारी मैं करूंगा, अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। विभीषण ने कहा कि मुझे लगता नहीं है हनुमान इसमें तुम आज पास हो जाओगे, क्योंकि अहिरावण की माया मैं जानता हूं। ऐसा अहिरावण है वो किसी का भी भेष बना सकता है और यहां तक मेरा बना सकता है। कोई भी मायावी हनुमान मेरा रूप नहीं बना सकता, लेकिन अहिरावण मेरा भी रूप बनाने में सक्षम है। हनुमान जी ने कहा, तुम इस राम के दूत को जानते नहीं हो। सो हनुमान जी ने अपनी पूंछ ऐसे जलेबी की तरह घुमाई, राम और लक्ष्मण को अंदर कर दिया और कहा, रात भर मैं देखूंगा। विभीषण राजी हो गए बात मानने के लिए, हनुमान तो हनुमान। रात के समय में जैसे रात हुई तो अहिरावण दशरथ का भेष बना के आ गया। राजा दशरथ का भेष बना के आया हनुमान जी के सामने और हनुमान जी से कहा, मुझे अपने बेटा राम से मिलना है। हनुमान, मुझे पता है तुम राम के बहुत करीब हो और मुझे बड़ी तड़फन है। हनुमान जी ने कहा, मुझे पता है तुम मर के ऊपर चले गए हो, यहाँ कोई मिलना जुलना नहीं होगा, जाइए यहाँ से। अहिरावण चला गया। विभीषण का थोड़ी देर में आना हुआ, कहा, हनुमान कोई आया तो नहीं था? कहा, दशरथ जी आए थे। कहा, कोई दशरथ नहीं आए, वो अहिरावण ही था। उसके तत्पश्चात थोड़ी देर के बाद में अहिरावण भरत बन गया है और आकर के रोने लगा। एक बार के लिए तो हनुमान को लगा कि भरत जी आ गए, लेकिन एकदम वो सावधान विभीषण ने कहा था हनुमान जी को, अहिरावण किसी का भी भेष बना करके आ सकता है। वो भरत बन करके आया तो उसको भी प्रवेश अंदर नहीं मिला, अहिरावण चला गया। विभीषण ने पुनः आकर के पूछा, कोई आया नहीं, कोई आया तो नहीं था?
कहा कोई नहीं आया। विभीषण फिर थोड़ा घूमने को चले गए उधर, इतने में गुरुदेव वशिष्ठ का भेष बना करके आ गया और हनुमान जी को आकर के कहा कि मैं राम से मिलने को आया हूं, हनुमान मुझे अंदर प्रवेश कर लेने दो। हनुमान जी ने कहा जाते हो के बताऊं। आए रावण चला गया। विभीषण ने पुणे आकर के पूछा कोई आया तो नहीं था। वशिष्ठ आए थे, का कोई वशिष्ठ नहीं है, रावण की ही माया है। और एकाध घंटे के तत्पश्चात कोई आया नहीं, अहिरावण ही विभीषण बन करके आ गया और आकर के पूछा हनुमान कोई आया तो नहीं। देखिए विभीषण बन के आ गया अहिरावण और आकर के क्या पूछने लगा, कहने लगा हनुमान कोई आया तो नहीं। हनुमान जी ने कहा अब के बार कोई नहीं आया तो तुमने देख लिया है राम जी सुरक्षित तो हैं? कहा बिल्कुल सुरक्षित नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है, तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाके देख लो। क्या लीला थी ईश्वर की, हनुमान जी के मुंह से निकल गया तुम्हें विश्वास नहीं है तो विभीषण तुम जाके देख लो, राम जी सुरक्षित है, मैंने अंदर किसी को नहीं जाने दिया। वो विभीषण नहीं थे, वो अहिरावण ही था। हनुमान जी ने नीचे से पूंछ अपनी उठाई और अहिरावण विभीषण बनकर अंदर प्रवेश कर गया। अहिरावण इतना बड़ा मायावी, इतना बड़ा योद्धा था, इसने एक लात का प्रहार किया, धरती नीचे धस गई। राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके और ये पातालपुरी के लिए राम लक्ष्मण को लेकर चला गया। आधे घंटे के बाद में असली ओरिजिनल विभीषण आए। विभीषण जी ने पूछा हनुमान कोई आया तो नहीं। हनुमान जी ने कहा थोड़ी देर पहले तुम ही तो आए थे। विभीषण ने कहा हनुमान बुरा हो गया, मैं नहीं आया। हनुमान जी ने कहा पीठ में इतनी जोर से मारूंगा झूठ बोलोगे तो, थोड़ी देर पहले तुम नहीं आए। विभीषण थर थर कांपे, वैसे भी डेढ़ पसली के विभीषण पतले थे बिल्कुल। कहा हनुमान में नहीं आया। और जब तीसरी बार कहा विभीषण ने मैं नहीं आया तो हनुमान जी का रोम रोम कांपने लगा। विभीषण ने कहा हनुमान बुरा हो गया, मुझे लगता है कि राम जी नहीं है। और जब अंदर जाकर के देखा, जो हनुमान जी ने अपनी पूंछ का परकोटा बनाया था, अंदर जब जाकर के देखा तो वहां राम लक्ष्मण नहीं थे। कोहराम मच गया रामादल में, सब रोने लगे। इतना बुरा हो गया जिसके लिए कभी सोचा भी नहीं था। हनुमान सबको समझाने लगे और कहने लगे जवाबदारी मेरी थी, मैंने जो सेवा ली थी उसमें मेरी ढील हुई, दुखित तो मैं हूं। ऐसे भी किसी ने किसी प्रकार से मैं दुनिया को मुख तब दिखाऊंगा जब अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को लेके आ जाऊंगा। मांजनी के दूध की सुगंध जीवन में सबसे ज्यादा हनुमान पहली बार रोए, हनुमान की आंखें भर आई, हनुमान की आंखों में आंसुओं की धार लगी थी। और सभी बंदर भालुओं को वो कहने लगे ये गलती मेरी हुई है, मैंने ठीक से अपनी सेवा नहीं दी। हनुमान पूरे जीवन में पहली बार आंख में आंसू आए, कहा मेरी वजह से ऐसा हो गया है, मैं प्रभु को लेकर के आऊंगा और ऐसा ना कर पाया, प्रभु राम के चरणों की सौगंध में दुनिया को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। और हनुमान जी ऐसा कहकर जय श्री राम की आवाज करते हुए वहीं से पातालपुरी के लिए के नीचे प्रवेश कर गए। हनुमान पूरे रामा दल में सन्नाटा छा गया था, राम लक्ष्मण हनुमान कोई नहीं, किसी भी बंदर भालू के प्राण सुरक्षित नहीं थे। हनुमान जी चले, यह तो एक देवी के दरबार में जाकर राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया था अहिरावण। और ऐसे उसने पांच परकोटे बनाए थे कि उन पांच दीवालों के अंदर प्रवेश करना बड़ा मुश्किल था। सबसे पहली दीवार सर्पों की थी, सांपों की थी। जो पहला परकोटा था वो था सांपों का। अब सर्पों के बीच में कैसे जाया जाए, उस समय हनुमान जी ने अपना एक मुख बना करके तैयार किया और वो मुख था भगवान गरुण देव का। गरुण को देख करके जितने भी सांप थे
वो सब स्थान छोड़ करके भाग गए, पहला रास्ता खाली हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की। दूसरा परकोटा, मांस की ढेरियां लगी हुई थी। उस समय हनुमान जी ने एक मुख और बनाया, वो था सिंह का, शेर का, शेर का मुख बना करके हनुमान जी दूसरे परकोटे को पार हो गए। तीसरे परकोटे में हनुमान जी जाकर के पहुंचे और वहां पर घास के ढेर लगे हुए थे। उस समय हनुमान जी ने घोड़े का मुख बनाया और अंदर प्रवेश कर गए। तत्पश्चात आगे जाकर के देखा तो चारों तरफ बिष्ठा पड़ी हुई थी, वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। उस समय हनुमान जी ने अपना एक पांचवा मुख बना लिया है, वो था बराह का, सूकर का मुख बना करके हनुमान जी उस देवी प्रतिमा के पास पहुंचे। एक मुक्का मारा सो देवी तो नीचे गिरी और दूसरी लात मारी, महाराज अहिरावण मूर्छित होकर के भागा और राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर रख करके जय श्री राम की आवाज भरते हुए हनुमान जी ऊपर चल करके आए। हनुमान जी का एक दिव्य रूप हुआ, वो हुआ बोले पंचमुखी हनुमान जी महाराज। जय हो